ओम शांति। गहन तपस्या का समय चल रहा है, पर तपस्या का सुख वही आत्माएं ले पा रही हैं जिन्होंने अपने लंबे समय को सफल किया है, जिन्होंने बुद्धि को स्थिर करने का प्रयास किया है। दूसरा नंबर वे आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग दिया है, सबकी दुआएं प्राप्त की हैं, पुण्य जमा किए हैं, वो भी अब मेहनत करके योग के सब्जेक्ट में सफल हो रहे हैं। लेकिन वो आत्माएं जिन्होंने योग को महत्व नहीं दिया, जिनका जीवन लंबे काल से योग मुक्त रहा है, जिन्होंने समय वेस्ट किया और यज्ञ में सूक्ष्म विघन डाले हैं, उन पर अब प्रभु की नज़र नहीं है और उनका पुरुषार्थ भी कठिन होता जा रहा है। अब भी चांस तो सदा ही बना रहेगा, पर मैं कहूँगा अब भी एक मौका है। एक सुंदर प्लानिंग करें, इजी प्लानिंग करें और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहें। ये समय भी फाउंडेशन बन जाएगा। अब भी जो मेहनत करेंगे और अपने अंदर सद्गुण धारण करेंगे, पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे विशेष बात, और सबकी दुआएं भी प्राप्त करेंगे उन्हें सुख देकर, उन्हें मदद करके, तो वो भी कुछ ना कुछ पा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सुंदर समय चल रहा है भाग्य बनाने का। भगवान खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। हमें तो याद आते हैं वो सब महावाक्य जो बाबा ने इस समय के लिए 40-50 साल पहले, 60 साल पहले उच्चारण किए थे, वो अब सब सत्य हो रहे हैं। अब वारी हमारी है। हमें संसार के लिए बहुत कुछ करना है तो तपस्या का सुंदर अपना प्रोग्राम बनाएं। फॉलो फादर भी चला और तपस्या का भी सुंदर प्रोग्राम बाबा ने अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की गहन तपस्या की मामा ने भी और कई दादियों ने भी, क्योंकि एक समय वो था जब योग का संपूर्ण ज्ञान बाबा ने नहीं दिया था, केवल अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ यही साधना हम सबको सिखाई थी। जिन्होंने ये साधना उस समय बहुत कर ली थी उनको भी योग युक्त होने में बहुत मदद मिल गई। इसलिए जिनकी साधनाएं अब नहीं होती, बुद्धि स्थिर नहीं होती, वे अशरीरीपन की और स्वमान की बहुत अच्छी साधना करते रहें। इससे बुद्धि परमात्म स्वरूप पर सहज ही स्थित होती रहेगी, मन निर्संकल्प रहेगा और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहेगी। विशेष जो हम आप सभी को कहना चाहते हैं वो ये है कि तपस्या करें। तपस्या का अर्थ ही होता है बहुत बहुत अभ्यास, अपने को साधना, साध लेना, बार बार अभ्यास। एक ऐसा प्लान आप बना सकते हैं कि कई बार बैठकर भी बहुत अच्छे अभ्यास हो जाएं और कर्म में भी बहुत अच्छे अभ्यास हो जाएं, तो इससे निरंतरता बनी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। हर घंटे में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो एक घंटे में 5 मिनट निकाल लें और कोई भी अच्छी साधना करें। अगर आप और 2 मास 2.5 मास ये साधना कर लें, जब तक बड़े प्रोग्राम सेवाओं के भी नहीं होने हैं, थोड़े बहुत ऑफिस खुलेंगे, आप बहुत बिजी भी नहीं रहेंगे, तो ये यात्रा बहुत ही सरल हो जाएगी। परंतु इसका फाउंडेशन समर्थ संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स, ध्यान देना है कि व्यर्थ संकल्प, परचिंतन, अवगुणी दृष्टि, दूसरों की ओर ध्यान जाना, ये योग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए कुछ न देखने वाला योगी ही अपने को संपूर्ण रूप से देख पाता है। जिसने सब कुछ जान लिया है उसे संसार में और क्या जानने की इच्छा होगी। भगवान ने जिसे सद्विवेक प्रदान किया है वो इधर उधर पढ़ के नेट से क्या पाएगा।
तो जिन्होंने अपने को ऐसा समझा कर एकाग्र और शांत कर लिया है वे सच्चे योगी बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा अभ्यास आप करें, तपस्या करें, मेहनत करें, ये मेहनत रंग लाएगी, ये मेहनत आपको महान योगी बनाएगी। और अभी भी एक मौका है परमात्म वरदान प्राप्त करने का, इससे आपको वरदान मिलेंगे जिनका उपयोग आप विश्व कल्याण में कर सकेंगे। ओम शांति।